ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज इतनी सुबह सुबह प्रभु के दर्शन करने आई हो अक्षरा बेटी, कोई कामना रखती हो? कामना तो रखती हूँ पंडित जी, बहुत बड़ी कामना। प्रार्थना कीजिए कि पूरी हो जाए। शिव शंभो, शिव शंभो। कुछ कहना है बेटा? जी, वो बाऊजी वर्षा कह रही थी कि थिएटर में नई फिल्म आई है। कौन सा शो है? 12 बजे का। नहीं, शौर्य की माँ शाम होने से पहले घर लौट आएगी, ठीक है? अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके और वर्षा के साथ कोई लड़का भी था। सच है ना ये? कब से जानती हैं आप उस लड़के को? आपके कॉलेज में पढ़ता है या कोई और मिली थी? क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? सच मानिए बाऊजी, मैं उसे नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। नहीं जानती इसीलिए आपने उसका हाथ पकड़ कर रखा था? मुझे एक वादा चाहिए कि तुम मेरे भरोसे की लाज हमेशा रखोगी, कभी गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी माँ की परवरिश पर कोई उंगली उठा सके। वादा करो। समझा करो यार, वो मेरी बहन है, मैं उससे ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ? अच्छा बाबा मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ हम थोड़ा वक्त साथ तो गुजार सकते हैं ना। लेकिन कैसे? अक्षरा को उससे कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? वर्षा, वर्षा तू अक्षरा, तुम्हारे भैया मान गए, वो हमारे साथ पिकनिक चल रहे हैं। रियली? पिकनिक? आलोक, मैंने पता लगा लिया है, अक्षरा कॉलेज के कल्चरल ग्रुप के साथ पिकनिक पे जा रही है। आलोक बात मान मरेगा, तू तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। बेवकूफी सही यार, पर अब मैं और नहीं रुक सकता, तू चल रहा है मेरे साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ लगानी? हाँ कैसे हिम्मत हुई तेरी? क्या देख मेरी बहन का क्या दिखा रहा है? शौर्य के बहन का हाथ लगाता है? हाँ खबरदार, जो आज के बाद मेरी बहन के आसपास में नजर आया तो हड्डी पसली तोड़ कर रखूंगा। सच सच बताओ अक्षरा, सच सच बताओ, कैसे जानती हो तुम उस लड़की को? तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, पहले भी मिलती रही हो क्या उससे? वो पीछा क्यों कर रहा था तुम्हारा? क्या वो वही लड़का था जिसके साथ तुम्हारे भौजी ने तुम्हें बाजार में देखा था? हाँ माँ, वही था। हेलो, कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, मैं आलोक का दोस्त बात कर रहा हूँ, वही जो सालों से आपसे प्यार करता है। लेकिन कभी भी उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की? कभी उसने आपके साथ कोई बुरी बात कही? नहीं ना। देखिए मैं, आप जानती है वो हमेशा के लिए ये कॉलेज, ये पढ़ाई, ये शहर छोड़ के जा रहा है। क्या हुआ, कौन था? तू तैयार हो जा, हमें जल्दी से स्टेशन जाना है। स्टेशन? लेकिन क्यों? आलोक कॉलेज छोड़ के जा रहा है और उसे सिर्फ तू ही रोक सकती है। लेकिन मैं, अगर तू नहीं गई ना तो बेचारे आलोक की पढ़ाई छूट जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा और इस सब की जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। वो नहीं आई आलोक, उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए। आलोक जी,
मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार और इज्जत है, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, इसीलिए आपसे दोस्ती भी ठुकरा दी। मेरी आपसे विनती है कि इस वजह से आप अपना दिल मेला मत कीजिए, अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। थैंक गॉड, वो तो अच्छा हुआ कि दादी की चिट्ठी का आइडिया काम आ गया, वरना मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा, तुझे भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। हाय, कितनी बड़ी हो गई थारी छोरी, कैसा तेज, इसे तो कोई भाग वाला ब्याह के ले जाएगा। आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं ना बाबू जी? ये कैसा सवाल है? क्योंकि सब कहते हैं कि हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की विदाई हो। जो बाप अपनी बेटी को इतना दुलार देता है, वो उसे डोली में बिठा के कैसे विदा कर सकता है बाबू जी? बेटा, बात तो सच है, भले ही एक बाप को अपने कलेजे पर पत्थर क्यों ना रखना पड़े, लेकिन उसे हमेशा अपनी बेटी की ब्याह की जल्दी रहती है। आपको भी है, आप भी मुझे पराए घर भेज देंगे? मैं ना जाना चाहूं तो भी। अक्षरा को क्या हो गया है? बहुत भावुक हो रही थी, बात बात में आंखें भीग रही थी उसकी। वो क्या हुआ कि जब से शंकरी ताई को उसके लिए लड़का देखने के लिए कहा है, तब से लड़का ढूंढने के लिए। अब कहिए, क्या अब भी आपको अपनी अक्षरा बच्ची नजर आ रही है? हमारी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, अब तो लड़का ढूंढिया अक्षरा के लिए।